हेलो भाई लोग, क्या हालचाल? सब बढ़िया? नहीं, बढ़िया होता तो ये नहीं पूछते कि भाई नेक्स्ट अपडेट कौन सा आने वाला है, क्योंकि ये वाला जो अपडेट आया है ना, ये कतई डिसअपॉइंट कर दिया इसने। इसीलिए काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई नेक्स्ट अपडेट कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट टीयर 4 कौन सा आने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टीयर 4 के बारे में, या फिर नेक्स्ट अपडेट कहाँ से आ सकता है और कौन कौन कैरेक्टर आ सकते हैं। क्योंकि ये जो अभी अपडेट आया है ना वांडा और क्विक सिल्वर का, भाई दोनों के दोनों दोनों भाई बहन मिलकर डिसअपॉइंट कर दिए हैं। क्विक सिल्वर, इसको माना जा रहा था कि ये पीवीपी वाला होगा, बट भाई ये पीवीपी में अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, कतई कुत्ते की मौत मर रहा है। हाँ मतलब ठीक है, अभी आर्टिफैक्ट बगैर आर्टिफैक्ट के खेल रहे हैं। अब इसका आर्टिफैक्ट मिलेगा उसके बाद में क्विक सिल्वर कितना अच्छा काम करेगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैं इसका आर्टिफैक्ट लूंगा नेक्स्ट मंथ और फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसका यूनिफॉर्म ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इसको नहीं लेना, अभी ये किसी काम का नहीं है, मतलब पीवीपी में। हाँ अगर पीवीई खेलना है तो फिर डैमेज ठीक है, डैमेज दे देता है, खेल सकते हो आप पीवीई के लिए, ठीक है। बाकी रही बात वांडा की, तो भाई वांडा के साथ तो अलग ही सीन चल रहा है। इस वाले अकाउंट में यहाँ पे देख सकते हो अभी तक पोटेंशियल अनलॉक नहीं हुआ है मेरा, और काफ़ी लोग शिकायत करते रहते हैं कि भाई तुम एक ही अकाउंट से क्यों नहीं रिव्यू देते हो, तुम दो तीन अकाउंट चार अकाउंट क्यों यूज करते हो। भाई तुम बताओ, अगर मैं एक ही अकाउंट से रिव्यू देता तो क्या अब तक मैं लेवल 80 वांडा का वीडियो बना पाता, जो कि मैंने बना के तुमको दे दिया है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ही अनलॉक नहीं हो रहा है, और अपना चैनल इतना बड़ा भी नहीं है कि मान लो 50 के 100 के व्यूज आ रहे हैं, काफ़ी सारे पैसे आ रहे हैं तो चलो पैक खरीद लो। तो इसीलिए भाई जुगाड़ लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत इधर उधर से, ताकि आपको फटाफट से वीडियो बना के बता दूं कि भाई कैसी है कैरेक्टर, क्योंकि आपको तो भाई दूसरे दिन ही वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि वांडा का यूनिफॉर्म लेना है या नहीं लेना है नया वाला, तो भाई ले लो यार, तुम ले लो, ठीक है, तुम ले लो, मजे करो, एंजॉय करो। 1050 क्रिस्टल दे दोगे तो तुमको ऐसा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा, तुम्हारा घर बार नहीं डूब जाएगा, ठीक है। अगर तुमको इतना ही मन कर रहा है वांडा लेने का, वांडा को यूज करने का, तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही ये मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है इसका परफॉर्मेंस, बट ठीक है यार, तुम मजे करो बस, तो इंजॉय करो। अभी चलो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट अपडेट कौन सा आ सकता है। तो देखो तो हल्ला चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि नेक्स्ट अपडेट जो हो सकता है वो हो सकता है इस वाले कॉमिक्स से, जो कि है X-Men 97। मतलब ये वेब सीरीज था एक, या फिर जो भी था एनिमेशन का कुछ, तो यहाँ पे 2024 में रिलीज हुआ अभी, एनिमे सीरीज था मान लो, तो यहाँ से आ सकता है नेक्स्ट अपडेट, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा हमारे गुप्तचर लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। बाकी मार्बल वालों के बारे में तो आपको पता ही है, उन पे तो कतई भरोसा नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर देते हैं, डबल डबल टीयर 4 दे रहे हैं, बताओ वांडा क्विक सिल्वर एक साथ टीयर 4 तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर यहाँ से अपडेट आया X-Men 97 से अगर अपडेट आया, तो कौन कौन कैरेक्टर अभी हमारे गेम में हैं और जिनको अपडेट ये लोग करके लाइक उनको टीयर 4 स्किल दे सकते हैं या फिर नया स्किल दे सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें इस कॉमिक में या फिर इस एनिमे सीरीज में कौन कौन से कैरेक्टर ने काम किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लॉप भी है जिसके पास ऑलरेडी टीयर 4 है, तो इसको तो छोड़ दो, रहने दो। और यहाँ पे है जीन ग्रे और मेडलिन प्रायर, दोनों यहाँ पे हमारे गेम में है, ऑलरेडी टीयर 4 पे हैं, तो इनको भी छोड़ दो। और यहाँ पे स्टॉर्म भी है, वो भी ऑलरेडी है यहाँ पे, उल्वरीन भी है, ऑलरेडी टीयर 4 पे है, मॉर्फ है, ये पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है, बाकी यहाँ पे रोग है, ये भी टीयर 4 पे है, बीस्ट है यहाँ पे जो कि टीयर 4 पे नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि बीस्ट आ सकता है अगर यहाँ से अपडेट आया तो। इसका रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ, बाकी और देख लेते हैं कौन से कैरेक्टर है। देखो यहाँ पे गैम्बिट है, जुबली है जिसके पास में अभी टीयर 3 स्किल भी नहीं है, अवेकन स्किल भी नहीं है, तो एक कैरेक्टर हमको चाहिए ना टीयर 3 वाला, तो ये हो सकती है। बाकी बिशप है यहाँ पे, मैग्नीटो है ऑलरेडी, उसके पास टीयर 4 है, प्रोफेसर एक्स है, इसके पास में भी टीयर 4 है। अगर कोई नया कैरेक्टर ये लोग लाना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सन स्पॉट करके एक कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ से आ सकता है। बाकी ये नीचे वाला मतलब ये वाला भी कैरेक्टर है, ठीक है, एन हेनरी ग्रीस है, तो इतने सारे कैरेक्टर हैं। अगर इनमें से मैं सेलेक्ट करके आपको बताऊँ, अगर यहाँ से अपडेट आया तो किसका अपडेट आ सकता है, कौन कौन से कैरेक्टर का अपडेट आ सकता है मुझे जहां तक लगता है, या फिर अगर आया तो कौन से कैरेक्टर को अपडेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, तो यहां पे देखो सेंटिनल है एक, या फिर मिस्टर सिनिस्टर है, इसको भी कर सकते हो, दोनों अच्छे कैरेक्टर हैं, ठीक है। सेंटिनल स्पेशली म्यूटेंट को मारने के लिए काम आता है, और उल्वरीन का अभी हमारे पास कोई काउंटर नहीं है, अभी मैं आपको गेम में दिखाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो जुबिली है जिसको टीयर 3 मिल सकता है, और उसको दे देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी गैम्बिट एंड बीस्ट, ये दो कैरेक्टर हैं जिनको टीयर 4 मिल जाए तो सही है। तो मैं आपको
गेम में लेके चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये बीस्ट और इसके बाद में ये जो मिस्टर सिनिस्टर है और ये सेंटिनल जो कैरेक्टर है, इसको अगर मिलेगा तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीस्ट और मिस्टर सिनिस्टर इन जुबली है, बाकी सेंटिनल नाम का भी कैरेक्टर है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सेंटिनल और इसको मान लो हमने मिस्टर सिनिस्टर को निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि मिस्टर सिनिस्टर का टीयर 4 ना ही आए तो बेटर है। अभी मान लो बीस्ट का टीयर 4 या फिर सेंटिनल को ये लोग टीयर 3 कर सकते हैं। यस, इसके पास में टीयर 3 स्किल नहीं है और जुबली के पास में भी टीयर 3 स्किल नहीं है, तो सेंटिनल को अगर ये लोग टीयर 3 करते हैं या फिर डायरेक्ट टीयर 4 दे देते हैं, जैसे कि ये लोग कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बार किया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसकी एबिलिटीज़ तो भाई कतई खतरनाक वाला है। इंक्रीज बेसिक डैमेज डेल टू म्यूटेंट कैरेक्टर बाई 90%। यहाँ पे आप देख सकते हो 90% तक का इंक्रीज डैमेज है म्यूटेंट के खिलाफ, मतलब ये मार सकता है उल्वरीन को अगर ये पीवीपी बन के आया। बाकी डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव फ्रॉम म्यूटेंट बाई 50% है, तो यस ये पीवीपी में स्पेशली उल्वरीन के खिलाफ अच्छा काम कर सकता है। और अगर रिमूव ऑल डिबफ इसके लीडरशिप में आप देखोगे तो रिमूव ऑल डिबफ का यहाँ पे आपको लीडरशिप मिल रहा है, मतलब पीवीपी वाला लीडरशिप एंड पीवीपी वाला पैसिव। और अगर मैं इसके स्किल के बारे में बात करूँ ना, तो भाई साहब इसके पास में दो दो स्किल में पेनिट्रेशन है। यस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नंबर वन पे मतलब फर्स्ट स्किल में यहाँ पे 100% चांस टू पेनिट्रेट। यहाँ पे क्या है, फिजिकल अटैक, एनर्जी अटैक, इम्यूनिटी वाले का भी पेनिट्रेशन है, बाकी ऑल डैमेज इम्यूनिटी एंड इनविंसिबिलिटी का भी पेनिट्रेशन है, तो ये कतई खतरनाक वाला चीज है। बाकी अगर मैं दूसरा पेनिट्रेशन आपको दिखाऊं तो इसके 5 स्किल में है, जो कि है 35% चांस टू पेनिट्रेट। तो मतलब डबल डबल स्किल में इसके पेनिट्रेशन है, तो ये टीयर 3 पे भी अच्छा काम कर सकता है। 1 स्किल दबाया काम नहीं हुआ, 5 स्किल दबाया इससे काम हो गया। तो दो दो स्किल है, चांस है मारने का। अभी इसको आई फ्रेम इग्नोर देना पड़ेगा नेटिव, ताकि ये सारे के सारे स्किल में इसके आई फ्रेम इग्नोर हो जाए, या फिर कोई आर्टिफैक्ट दे दो लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसा कि वो आई फ्रेम में चला जाए फॉर 5 सेकंड, तो ये मज़ेदार हो जाएगा। बाकी अगर यूनिफॉर्म इफेक्ट दिखाऊँ ना, हालांकि अभी देखो ये वाला यूनिफॉर्म काफ़ी पुराना है तो अभी इतना ज़्यादा खास इसमें यूनिफॉर्म इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज ऑल अटैक बाई 10% है। अभी इसको थोड़ा सा डैमेज रिडक्शन की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने की सर्वाइबिलिटी की ज़रूरत है, तो इसको ये लोग बना सकते हैं अच्छा खासा पीवीपी कैरेक्टर। अब देखो पीवीपी से ये मतलब नहीं है कि टाइमलाइन बैटल ही, क्योंकि अदर वर्ल्ड बैटल में अभी जो सीन चल रहा है ना, इतने सारे कैरेक्टर को बैन कर रहे हैं ये लोग, तो उसके लिए भी ये चाहिए, मतलब हाँ अच्छा काम कर सकता है। बाकी जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ये है बीस्ट, इसको अगर ये लोग टीयर 4 दे दे तो भाई कतई मज़ा आ जाएगा। देखो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो नई लड़की आई है जो वर्ल्ड बॉस ब्लैक स्वैन, उसमें ये अच्छा खासा लीडरशिप का काम कर देगा, और अगर इसको टीयर 4 मिल जाता है तो ये भी पीवीपी में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि ये बीस्ट है और इसको बीस्ट अभी तक नहीं बनाया गया है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि बीस्ट को असली वाला बीस्ट बनाया गया हो, मतलब किसी भी यूनिफॉर्म से। इतना सारा यूनिफॉर्म आया है इसका, लेकिन एक भी यूनिफॉर्म में ये बीस्ट नहीं बन पाया। लाइक होता ना भाई ये तो पीवीपी में बीस्ट है बोलते हैं, लाइक वुल्वरीन इज अ बीस्ट, तो ये तो रियल का बीस्ट है, बट अभी तक कभी भी टाइमलाइन बैटल में ये बीस्ट जैसा परफॉर्मेंस नहीं किया है। अब अगर इसको ये लोग नया यूनिफॉर्म दे दें और थोड़ा सा एबिलिटीज़ दे दें और टीयर 4 स्किल दे दें, तो भाई ये सच का बीस्ट बन सकता है, रियल वाला बीस्ट बन सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसके पास है क्या। देखो यूनिफॉर्म इफेक्ट देखो, पहले तो अप्लाई टू ऑल एलाई 40% इंक्रीज ऑफ HP अप्लाई टू ऑल एलाई, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ पर। अगर इसको टीम में लगा लिया तो सारे बंदे का 40% इंक्रीज हो जाएगा HP, ऊपर से इग्नोर डॉज 25% इंक्रीज हो जाएगा। बाकी स्किल्स, अगर इसके स्किल्स की बात करें ना, तो ये भी कतई खतरनाक है भाई। यहाँ पे देखो डिक्रीज बेसिक डैमेज बाई 35%, जबकि क्विक सिल्वर को 1% का नहीं दिया है डिक्रीज डैमेज, और यहाँ पे 35% का है। एंड एक्सक्लूडिंग बॉसेज इग्नोर इनमीज डैमेज डिक्रीज बाई 15%, और अगर इसको ग्रीड लगा देते हैं तो वो हो जाएगा 40-50% का, माइटी ग्रेड के साथ में 50% हो जाएगा। तो ये काम कर सकता है ब्रिलियंट वाले अथॉरिटी वाले कैरेक्टर को मारने के लिए, या फिर माइटी ब्रिलियंट वाले कंक्वेस्ट कैरेक्टर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इसमें कुछ उलट फेर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस थोड़ा सा स्किल चेंज करने की ज़रूरत है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये देखो 4-स्टार पैसिव, इसमें क्या है, डिक्रीज चाइनी डैमेज बाई 15%, अगेन सर्वाइबिलिटी या फिर पीवीपी के लिए, और डिक्रीज डैमेज रिसीव फ्रॉम रिफ्लेक्ट इफेक्ट बाई 50%, मतलब सिल्वर सर्फर के खिलाफ भी अच्छा काम कर सकता है, ऑल डैमेज रिफ्लेक्ट है इसमें। बाकी सुपर आर्मर ऑल डिफेंस भी है 40% का, तो ये कतई खतरनाक है। अब इसके स्किल में क्या इंप्रूव करना रहेगा जो अच्छा काम कर सकता है, यहाँ पे देखो लीडरशिप, जैसे कि मैंने बोला ब्लैक स्वैन के लिए लीडरशिप का काम करेगा ये। अप्लाई टू ऑल एलाई 50% इंक्रीज ऑफ फिजिकल अटैक,
तो ये लीडरशिप का भी काम कर देगा उसमें, वर्ल्ड बॉस लेजेंड में। और पीवीपी के लिए भाई इसको बस थोड़ा सा इंप्रूव करके इसको पेनिट्रेशन आई फ्रेम इग्नोर देना पड़ेगा, ठीक है। बस किसी भी स्किल में तुम डाल दो, एक स्किल में आई फ्रेम इग्नोर और पेनिट्रेशन डाल दो, फिर देखना भाई ये सच का बीस्ट बन जाएगा, बहुत तगड़े वाला बीस्ट बनेगा और बहुत अच्छा काम कर सकता है इन टाइम लाइन बेटल। क्योंकि अभी क्या होता है, खड़े खड़े मर जाता है, सामने वाले आई फ्रेम में रहते हैं और ये खड़ा रहता है, कुछ नहीं कर पाता क्योंकि आई फ्रेम इग्नोर नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा कैरेक्टर हो सकता है अगर इसको टीयर फोर दें तो, भाई मैं तो इसको टीयर फोर कर लूंगा। और रही ये कैरेक्टर जुबली, तो भाई इसके पास में भी अवेकन या फिर टीयर थ्री नहीं है, तो इसको अगर ये लोग टीयर थ्री या फिर अवेकन स्किल दे देते हैं तो इसका भला हो जाएगा। हालांकि देखो इसके पास में बहुत कुछ खास चीजें नहीं है, लाइक इसका लीडरशिप भी बहुत अच्छा नहीं है, ना ही इसका कोई अच्छा पैसिव है, ठीक है। तो बस ऐसा ही बोल रहा था कि इसको दे दें क्योंकि बहुत दिन हो गया है और इसको ना ही यूनिफॉर्म मिला है, ना ही इसको अवेकन या फिर टीयर थ्री मिला है, तो इसका भला हो जाएगा और पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा इनके अपडेट से। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग क्या चाहते हो, कौन से कैरेक्टर का अपडेट चाहते हो, या फिर नेक्स्ट अपडेट में क्या आ सकता है, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।